नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा खुशियां दे, सदा सुखी रखे। जीवन में हर किसी की एक कामना होती है कि उसके पास खुद का घर हो। कई बार इन कामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है तो कभी कभी लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। कुंडली के मुताबिक भी किसी के जीवन में इस सुख को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं कि कुछ लोगों के मकान बहुत ही सरलता से बन जाते हैं जबकि कुछ लोगों के मकान पूरे जीवन में भी नहीं बन पाते। कुछ लोगों के पास बहुत ही कम आय की नौकरी या व्यवसाय होने पर भी बड़े मकान होते हैं, वहीं कुछ लोगों के पास अच्छी नौकरी होने पर भी वो कभी मकान नहीं बनवा पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सबके पीछे हमारी कुंडली होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कुंडली में स्वयं के मकान के योग के बारे में। गुरुदेव, अपने घर का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन खूब मेहनत करने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर नहीं बन पाते हैं। आखिर इसके लिए कौन सा ग्रह दोष जिम्मेवार है? इसके लिए वैसे तो बहुत सारे ग्रह दोष हैं, लेकिन आप सबको मैं बताऊं, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत खराब है उसके सिम्टम्स क्या है। ऐसे लोग बहुत जल्दी चढ़ते हैं, दूसरों के अंदर कमी निकालते हैं और लोगों के लिए उनको ये बातें करना अच्छा लगता है कि ये तो हमारे सामने पैदा हुआ था, ये रेडी लगाता था, इसके बाप वहाँ काम करता था और ये देखो हमारे सामने ये बन गया और लेकिन हम नहीं झुकते इसके आगे। जिनकी इस तरह की मानसिकता होती है बेटा, इन लोगों को अपना मकान बनाने में सदा ही तकलीफ। दूसरा, जिन लोगों के यहाँ रोग लगे रहते हैं, जिनके अपने पिता और भाई के साथ नहीं बनती जी, और एक खास असूलों के चलते वो अपने आप को असूलों वाला दिखाते हुए पिता और भाई को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों का मकान नहीं बनता कभी, जिसको बोलते हैं शनि खराब। तीसरा, जिनकी आंखों में दिक्कत आती है, जिनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और जिनको एलर्जी वगैरह सताती है और ख़ास तौर पर शरीर पर खारिश सताती है, इनका शनि खराब होता है। और ये लोग भी किसी की भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान करके अपने काम को छोड़ते या बदलते रहते हैं, समझे? ये लोग भी अपना मकान बनाने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं। और तीसरा एक और योग, चौथा एक और योग है, और वो योग क्या है कि अगर कहीं शनि खराब ही हो जाए, बिल्कुल बेकार, ऐसे लोग डिप्लोमेटिक वे को जानते ही नहीं हैं, सीधा सीधा मजदूरों की तरह काम करना जानते हैं और अगर काम के अंदर किसी ने टोक दिया जी, उसी वक्त काम छोड़ के भाग जाते हैं और नशा करते हैं। और ये नशा करने वाले लोग और टोकते ही भाग जाने वाले लोग ये जिंदगी में कभी मकान नहीं बना पाते। अगर ऐसा है गुरुदेव, जिन ग्रहों की आपने बात की कि ये ग्रह दोष होते हैं, तो इन ग्रहों को कैसे अपने अनुकूल बनाया जा सके जिससे कि अपना घर बनाने में कामयाबी मिल सके? बहुत आसान है, मैं यही तो कहता हूँ कि क्यों तकलीफें पाते हो, क्यों दर दर भटकते हो, जिंदगी के दिन साल महीने सब खराब कर लेते हो और सहूलतों के लिए तरसते रहते हो। उपाय करके इमीडिएटली ठीक हो जाएगा ना, और उपाय देखो कितना आसान है। हर रोज पानी ले, थोड़ा सा दूध डालें, चार दाने चीनी के डालें, बरगद के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू करें, गले में पीले रंग का धागा धारण करें और 43 दिन लगातार तिल के तेल में उड़द के लड्डू यानी कि उड़द की पिट्ठी बनाकर उसके लड्डू बीच में नमक मिर्च मसाला डाल के उनको आप तिल के तेल में तल लें, उड़द की पिट्ठी के लड्डुओं को, और ये कुत्ते और कौओं को या सारे पक्षियों को डाल दें। ये 43 दिन लगातार करें और उसके बाद हर शनिवार को 60 ग्राम सुरमा लेकर के घास वाली ज़मीन में दबाना शुरू करिए, देखिए थोड़े ही समय के अंदर क्या रिजल्ट मिलते हैं। बुद्धि, काम करने का तरीका, हालात सब बदलेंगे और मकान के सुख भी मिलेंगे जी। और अगर जब घर बनना शुरू हो जाए उससे पहले भूमि पूजन की प्रक्रिया होती है, तो भूमि पूजन के समय कौन सा खास उपाय भी करना चाहिए जिससे कि घर बनने में किसी तरीके की कोई अड़चन ना है? जब हम घर बनाने लगते हैं तो जो घर की नींव हम खोदते हैं वो राहु का स्थान है, उसे राहु बोला जाता है। और अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब हो तो ऐसी अवस्था के अंदर मकान बनाना जब शुरू करते हैं उसके बाद कई तकलीफें आ जाती हैं और बहुत तकलीफ भी झेलनी पड़ती है और फिर बाद में हम कहते हैं ये हमारे लिए शुभ नहीं रहा। इसीलिए इसका उपाय नींव के वक्त में ही किया जा सकता है, और अगर बन रहा है और तकलीफें आनी शुरू हुई हैं तो अभी नींव में कर दीजिए। और वो क्या, आप देखते हैं कि भूमि पूजन के अंदर चांदी के नाग नागिन लाए जाते हैं,
है ना जी, तो वो जरूर डालिए, लेकिन वो एक उपाय है। लेकिन आप अगर इसका पक्का इलाज करना चाहते हो और कोई तकलीफ ना आए, तो एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भरिए और शहद भर के वो भूमि पूजन के अंदर दबा दीजिए, ठीक है। या एक लोहे का कटोरा लीजिए और लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के वो नींव के अंदर दबा दीजिए। इसको बोलते हैं मंगल की स्थापना नींव के अंदर। और मंगल के आगे राहु कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि राहु हाथी है और मंगल महावत है जो हाथी को चला सकता है। तो शहद का नींव के अंदर होना राहु की शरारतों से दूर करके आपको हर तरह से सुकून पड़ता है। शायद ही आपको ये उपाय किसी ने अभी तक बताया हो जो गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव, अक्सर हम जब गृह प्रवेश करवाते हैं तो शुभ दिन तो जरूर ध्यान रखते हैं, लेकिन घर में एंट्री यानी कि प्रवेश किस शुभ समय पे किया जाए, क्या उसका भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? ये जो बात है, इससे शायद हमारे जो बाकी ज्योतिषचार्य भाई है वो मेरे से नाराज होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को दुनिया को देना है तो उनकी नाराजगी मैं झेल लूंगा। और वो क्या है, ये पंचांग का मुहूर्त तो चलो मायने रखता है जो सब निकालते हैं, शुभ दिन जैसे कहते हैं शुभ दिन, लेकिन रियलिटी में इसकी कुछ शुभ तारीखें होती हैं। और वो शुभ तारीखें आपको कहाँ मिलेगी, जो मैंने आपके लिए फ्री में दे रखा है। आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम या अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के आप प्रेजेंट टाइम के ऊपर और थोड़ा सा फ्यूचर उसके अंदर देखिए कि कौन सी तारीख के बीच में घर जाना आपके लिए शुभ लिखा हुआ है। कई बार गृह प्रवेश हम पंचांग के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन आपकी किस्मत के हिसाब से वो शुभ होता है, ठीक है। होना ये उल्टा चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से हम गृह प्रवेश की तारीख तय करें और उसके अंदर शुभ मुहूर्त निकलवा करके जाएं। तो ये चीज आपको एस्ट्रो साइंस ऐप से निकाल के फिर गृह प्रवेश करना चाहिए, वरना तकलीफ वाकई में बड़ी हो सकती है। अब बारी आती है जब घर पे हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमारे हाथों में कलश भी होता है, लेकिन कई बार इस पर ध्यान नहीं जाता है, कोई ये नहीं बता पाता है कि क्या कोई विशेष या खास वस्तु लेकर घर में एंट्री करनी चाहिए। तो ऐसा भी है गुरुदेव, कोई वस्तु लेकर घर में एंट्री होनी चाहिए गृह प्रवेश के समय? हमारे यहाँ जब भी कोई भी पूजा विधान हो उसमें एक चीज प्रयोग होती है, अक्षत जी। अक्षत का मतलब जो मिट नहीं सकता, जो अजर है अमर है। कहने का मतलब वो नया, अगर मिटेगा तो नया आएगा, मिटेगा तो नया आएगा, वो अक्षत। यही अक्षत को लक्ष्मी बोला जाता है, इसी को अन्न बोला जाता है, इसी को अन्नपूर्णा बोला जाता है जी। और गंगा जल भी इसी की श्रेणी में आता है। तो चांदी का कलश हो, बीच में गंगा जल भरा हो और कलश के ऊपर एक चांदी की कटोरी हो और उसके अंदर चावल हो और उसको अपने सर पे रख करके हम गृह प्रवेश करें और अंदर जाए एक आसन बना करके पहले सवा महीने के लिए लाल रंग के या पीले रंग के आसन यानी कि कपड़े के ऊपर अगर उसको स्थापित कर दे और उसका गंगा जल अंदर से ना सूखने दे तो ये सबसे उत्तम है। और सवा महीने के बाद वो जो चावल कटोरी में रखे हुए थे बेटा, उसके बढ़िया से मीठे पुलाव जी, वो समझे ना, ये बना करके जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालो और पूरे घर वाले इसको प्रसाद के रूप में सेवन करें, भाग्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देगा, घर आपके लिए लकी साबित होगा और परमात्मा की कृपा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बरसती रहेगी। ये शुभ कार्य जरूर करना है। गुरुदेव, अब घर भी बन गया, घर में प्रवेश भी हो गया, अब बारी आती है कि घर में पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे। तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए कि कलह और परेशानियों से हमेशा हमारा घर दूर रहे, सुख शांति बनी रहे? इसके लिए बेटा, वैसे तो मैं रोज ही ये टिप्स देता हूँ कि बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना आए। पॉजिटिविटी अगर आप घर में बना करके रखना चाहते हैं तो जितना भी कबाड़ मकान बनाते वक्त में आपने इकट्ठा करके रखा है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हुए आपने बहुत सारा सामान एक डंप करके रख दिया कि ये भविष्य में काम आएगा, या ऐसे जूते चप्पल अच्छा रख देते हैं फिर कभी दान दे देंगे लेकिन आप भूल जाते हो, ये चीज़ें अगर घर में रखोगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि और पॉजिटिविटी के लिए खराब होंगे। दूसरा मैंने कहा कि बिस्तर ऐसा होना चाहिए, आपका बेड ऐसा होना चाहिए कि जिसके नीचे आप झुक करके नीचे झाड़ू मार सकें। अगर बेड के नीचे बॉक्स बना हुआ है और आप नीचे उसके झाड़ू नहीं मार सकते, आपके बेड के नीचे जमा होने वाली गंदगी
धूल या कॉकरोच या वहाँ पर जो कीटाणु इकट्ठे होते हैं वो आपको पॉजिटिव नहीं रहने देंगे। तो इसलिए बेड ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे झाड़ू मारा जा सके। फिर मैं रेगुलर बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बहुत बेस्ट होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के अंदर ना किचन हो, ना टॉयलेट हो, ना कबाड़ हो, इससे बचना चाहिए। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप किचन बनाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉयलेट बाथरूम भी बनाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हमेशा सुगंधित रहना चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप कमरा बनाते हो तो पीछे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं तो पीछे वॉशरूम की तरफ में सर लगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कर्जा चढ़ा देगा, इससे बचना चाहिए। अगर ये चीज़ों का ख्याल रख करके आप चलते हैं तो घर की ऊर्जा सदा ही पॉजिटिव रहेगी। और एक बात और, पैसे की बात कैसे भूल जाए, बिल्कुल ठीक है ना। तो अपनी अलमारियों की सेटिंग इस तरह से करें समझे कि जब उसका ड्रॉ खुले तो वो खुलता हुआ उत्तर की तरफ आए, यानी कि दक्षिण की तरफ में पीठ हो और उत्तर की तरफ में खुलता है। अगर इस तरह से अलमारियाँ रखेंगे तो पैसा आने के बाद वहीं जमा होता रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और कहीं पैसा रखेंगे तो बेटा आएगा भी, साथ में चला भी जाएगा। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी बनाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपका घर भी बन जाएगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भी भर देगा। अगर आप गुरुदेव से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 9999905222 पर। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।